News 18, India. नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और हमने फैसला सोच समझ कर लिया है, ये कहना है यहां पर चौधरी आरएलडी का। और चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न देने के फैसले से खुश हूं, ये जयंत चौधरी का कहना है। तो यहां पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं, और अब ये खबर पक्की होती हुई यहां पर नजर आ रही है। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है, और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने भाव, हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। तो आरएलडी ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है, एनडीए में शामिल हो गई है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें यह बड़ा फेरबदल माना जाएगा। कितना फायदा इससे बीजेपी को होगा और नुकसान कितना समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए, ये काफी ज्यादा नुकसान केवल समाजवादी पार्टी को ही नहीं, इंडी गठबंधन को भी है। अब ये मात्र एक औपचारिकता ही मानी जा रही है कि जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या एक जॉइंट मंच पे बीजेपी के नेता और जयंत चौधरी वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया था और जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, कि दिल जीत गया, तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि हाँ, जयंत चौधरी की पार्टी जो है आरएलडी, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। अब हालांकि अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि तीन सीटों पर, तीन सीट जो है आरएलडी को बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। लेकिन जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए। जी बेशक, ये बड़ा झटका यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि जो जाट समुदाय है उस पर अच्छी पकड़ रखते हैं, पश्चिमी यूपी में भी अच्छी पकड़ रखते हैं जयंत चौधरी।